हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज यहाँ मैं बना रही हूँ मूंग दाल के वड़े, वो भी पकौड़े के स्टाइल में। तो यहाँ मैंने तकरीबन 150 ग्राम के करीब दाल ले ली है, हरी वाली जो मूंग की आती है छिलके वाली। इसे मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रखा है, और उसके बाद जब ये अच्छे से फूल जाएगी उसके बाद मुझे इसे मिक्सी में पीस लिया है। साथ में ही हरी मिर्च और अदरक भी मैंने ऐड कर दी थी। ये देखिए, इसका एक इस तरह से दरदरा सा बैटर मैंने रेडी कर लिया है। इसमें पानी मैंने बहुत हल्का ही डाला था। इतना बैटर हमको रेडी करना है कि जब हम खाएं तो दाल हमारे हल्की हल्की मुंह में आए। तो ज़्यादा हमें इसे बारीक एकदम पेस्ट वाला नहीं बनाना है, जैसे हम डोसे के लिए रेडी करते हैं वैसा नहीं चाहिए हमें। अब इसमें मैंने जो है कटा हुआ प्याज ऐड कर दिया है, एकदम बारीक कटा हुआ ये प्याज है। साथ में इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दिया है, ज़ीरे का भी एक बहुत अच्छा टेस्ट इसमें आता है। दाल की कंसिस्टेंसी आपको दिखा ही दी है, तो उसी तरह ही आप रखिएगा, ज़्यादा इसमें पानी मत डालिएगा। नमक आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। बस अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए, मैंने इसमें कोई मसाला पाउडर कुछ नहीं ऐड किया है, उसके बाद भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहते हैं। आप चाहें तो इसका चिल्ला भी बना सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा इसे चला लेना होगा, फेंटने से ही और अच्छे से फूल के बनेंगे। देखिए, आपको पता चल ही रहा होगा कंसिस्टेंसी कैसी है। तो मुझे यहाँ हरी मिर्च थोड़ी कम लग रही थी, तो मैंने इसमें काट के थोड़ी सी हरी मिर्च और ऐड कर दी है। ये देखिए, बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब यहाँ तेल को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है एकदम। अब मैं स्पून की हेल्प से इसको डालूंगी, अगर आप चाहें तो हाथ से भी इसे डाल सकते हैं। स्पून से ये परफेक्टली चला जाता है। दाल के वड़े या पकौड़े एकदम बन के रेडी हो चुके हैं। देखिए, मैंने इनको सबको इस तरह से प्लेट में निकाल लिया है। अब आप चाहें तो इसे चटनी के साथ या फिर टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी रहते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Oh.